साथियों इस वक्त कि जब आपका पूरा निजाम कैप्चर्ड है, आपके मुल्क के अंदर आईन और जो कानून लापता है, जहां पे अदालतें गैर फॉल है, जहां पर हर तरफ गुमनाम पहरे हैं, इसमें मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूं कि वकला की आवाज है। हम ये सिलसिला कब से देख रहे हैं? मुझे याद है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम और माया नाज सियासतदान, उनको इन जर्नैलों ने गद्दार कहा, इन्होंने हमारे। आज ये इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जिसने स्टेटस को चैलेंज किया, आज उसको गद्दार कह रहे हैं। कहते रहे, मैं इनसे यह पूछती हूं कि मुझे यह बताएं कि आप पाकिस्तान के फिजाओं को देख लें। मैं भावलपुर गई, वहां पर रेगिस्तानों को देखा, आप यहां की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलोचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। तो फिर हर जगह पे आपका कब्जा है, पाकिस्तान की सियासी अशरफिया और पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया के इस गठजोड़ को हम मुसरत करते हैं। इन्होंने इस निजाम को एक अस्करी निजाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आईन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड्स आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो आपने हर अदारे के अंदर से आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बार के गद्दारों को भी, आपने इस बार के गद्दारों को भी, इस बार के गद्दारों को जिन्होंने वकला के हित में आपको बेचा, जो आज वकला को तकसीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। फिर पीडीएम के जमातों के अंदर वो कानून साजी की आपने कि आज जमहूरियत भी शर्मिंदा है। अमल को रोक के आपने एक मुतवाजी निजाम बेआईन कायम किया गया है आपके मुल्क में। और मैं अपनी वकला बरादरी को, मैं अपने गजूर वकला साथियों और बहनों को भी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपनी सफों के अंदर आप काली भेड़ों को तलाश करें, और कभी आपने उनके ऊपर एतमाद नहीं करना। आप याद रखिए आप लोगों ने ये याद रखना है, प्लीज मेरी दरखास्त है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक अदारा बचा है कि जो मुजामत कर सकता है, सिर्फ एक अदारा है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको चैलेंज कर सकता है, वो आप लोग हैं। और आप लोग जो हुक्मरानों के साथ मिलते हैं, जो फौजियों के दिन नौकरी करते हैं, आप लोगों ने उनको
فخر ہے کہ ہمارے قائد عابد زمیری صاحب, جو فخر ہے پاکستان کے عوام کا کہ جن کو نہ صرف وکلا کمیونٹی, پورا پاکستان ان پہ اعتماد کرتا ہے. اس ریاست نے جو جبر کیا 9 مئی کے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کے, مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا ایک کلچر ہے خواتین کی رسپیکٹ کا, انہوں نے اس کو موال کیا. جس طرح 9 مئی کے واقعے نے آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز کر دیا. یہ جو بزدل ججز بیٹھے ہیں, ان کے اندر اتنا ہمت نہیں کہ یہ ان فیصلوں کو کر دیں, کہ ان بیلز کو ڈیسائیڈ کر دیں. تو اب میں آپ سے آخر میں صرف یہی گزارش کروں گی کہ اگر ریاست نے عوام سے بغاوت کی ہے تو اس جبر کے خلاف بغاوت ہم پر بھی لازم ہے. میں اب گزارش کروں گی اپنی اس ہاؤس سے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, کہ اب آپ لوگ باہر نکلنے کے لیے لاہے عمل دیں. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جمعرات, ہر جمعرات کا دن جس میں ہم نے اچھا سیاسی نہیں, ہم لوگ تو ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو, اخبار کا رول ہمیشہ اپوزیشن کا رول رہا ہے. اور میں یہی توقع کرتی ہوں کہ پوری پاکستان کے عوام آپ کے منتظر ہیں. اگلی جمعرات کو آپ لوگ کال دیں ملک گیر احتجاج کی, ہر بار اپنی جگہ پہ احتجاج کریں, ہر بار احتجاج کریں, ہر جگہ پہ ہاؤس ہو اور پھر اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں. اور آخر میں آپ کی نظر, میں باغی ہوں, میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے, میرے سر پہ موت کا پھندا ہے, میں مرنے سے کب ڈرتی ہوں, میں موت کی خاطر زندہ ہوں, میرے خون کا پورا